अच्छा भाई, ऐसे ना इस तरह की कोई आ रही है सारी लुक ना, मतलब पता नहीं चलता कि इसके ऊपर सारा ये पर्दा लगा हुआ है। भाई से कोई इस तरह की लुक आ रही है इसके ऊपर, ये सारा बिल्कुल ब्लैक शेड आ रहा है और यहाँ पे हल्का हल्का जो है ना, क्योंकि वो जर्मन टेंट आए हैं बोले शीशे, तो इस वजह से पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज डे तो फ्राइडे है और गर्मी लाहौर के अंदर इंतहा से ज़्यादा हो गई है। लास्ट टाइम मतलब कल दोपहर के अंदर 40 सेंटीग्रेड तक चला गया था। तो अभी यह है कि लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये सारे अपने जो मिरर्स हैं इनके ऊपर सोलर टेंट कराया था, सिरेमिक टेंट जो होता है, तो वो भी गर्मी की जो शिद्दत है उसको रोकती है। तो अभी मैं देख रहा था, कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक ऐड नज़र आ रही थी, उसमें कर्टन्स थे बड़े ज़बरदस्त ना, वो मतलब स्लाइडिंग वाले कर्टन्स थे। तो आज मैंने उनसे टाई अप किया है तो अभी जाके वो इंस्टॉल करवाते हैं। मेरी गाड़ी जो उनकी है कस्टम मेड, उन्होंने करने हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है। मोस्टली वैसे गाड़ियों की उनके पास अवेलेबल है। तो अभी रिंग रोड के ऊपर आ गया हूँ, वैसे लोकेशन की बड़ी दूर है, वो ग्रीन सिटी कोई वो फेज़ 8 के आगे जाके वहाँ पर है। तो अभी मैंने गूगल मैप्स लगा दी है इसको, लोकेशन उन्होंने भेज दी थी। तो अभी जाके चेक करते हैं कि भाई वो क्या कैसे हैं। वैसे पिक्चर में तो वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो पूरे यहाँ तक आ जाता है और आपको बार बार उतारना और चढ़ाना नहीं पड़ता। तो अभी जाके दिखाता हूँ आपको कि वो उसकी क्या कॉस्ट है और वो किस तरह इंस्टॉलेशन करते हैं और क्या क्वालिटी है। तो अच्छे होंगे तो आप भी ज़रूर लगवाइएगा, बड़ी यूज़फुल चीज़ है। लोकेशन पे हम आ गए हैं तो कॉल करके। जी वालेकुम सलाम सर, ये लोकेशन पे तो आ गया हूँ मैं आपकी। अच्छा, वो शेड सा ना आगे बना हुआ है एक। जी 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 वहीं पे आगे 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 वहाँ पे खड़ा हूँ मैं। चलिए ओके, चले जी पहुँच गए हम लोकेशन पे। अभी चेक करते हैं कि क्या है। ये इस तरह की मतलब लोकेशन है अभी तो सारी। अभी फर्दर देखते हैं कि इनके कोई शॉप है क्या है। ऐसे मुझे लगता नहीं कोई शॉप है, मुझे लगता है इन्होंने कोई घर पे सेटअप लगाया हुआ अपना ना ये। लेकिन ये कि इनकी मैंने इंस्टा पेज देखा था उसके ऊपर काफ़ी काम शाम किया है इन्होंने, जितनी एम जी जो नई गाड़ियाँ हैं या कोई भी गाड़ी अपन कस्टम मेड कर देते हैं। तो आपको लिंक इसका प्रोफाइल में मैं डाल दूँगा तो आप इनकी प्रोफाइल विजिट कर लेना। यहाँ पे लगेगी ये, और यहाँ वाली की शेप लेता है। ठीक है, ये वाली, ये हमने इसकी ना एल शेप दी है, ये देख रहे हैं क्लिप्स नीचे आने हैं तो यूं लगे बाहर वाली साइड पे। हाँ बाहर वाली एग्जैक्ट आ गई है। कैसा है? सही है, साइज हमने पहले ही लिया है। अब आपका मैंने स्टिक नीचे वाली ना यहाँ तक बनाई है, क्यों पर्दा यहाँ तक आए। हाँ। पूरा जब शीशा खोलें तो एंजॉय करें मतलब मौसम। और ये सही है, यहाँ पे पर्दा जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए रेलिंग यहाँ तक छोड़िए। अगर रेलिंग यहाँ तक काटता ना हाँ। तो वो पर्दे नहीं यहाँ आके क्लिप्स में फंस जाना, तो ये चीज आप यूज नहीं कर सकते थे। ओके। इस चक्कर ये भी क्या लगा रहे हैं हम? ये हम प्रोमोटर लगा रहे हैं, ये केमिकल जो है ना टेप को अच्छा करने के लिए। सामान लगाइए ऊपर लगा लिए जी, वो आगे लगा लें। आगे लगा यहाँ पे लगेगी, अब प्रमोटर के बाहर लग रही है। हाँ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रमोटर लगाने से ना कितना इस टेप में मजबूती आ गई है। वैसे तो जितना मर्जी अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये फासला मैंने इसलिए दिया है यहाँ पे पर्दा जब चलेगा ना तो पर्दे ने इतनी इतनी जगह लेनी होती है दोनों साइडों पे, आधा आधा इंच, वो पर्दा फंसेगा नहीं। ये देख रहे हैं, वैसे ही आपको शायद बुरा लग रहा हो कि ये यूं क्यों आ रहा है, मगर इसकी वजह ये है कि पर्दा आसानी से यहाँ तक पीछे है, इसलिए ये गैप दिया इधर, एक उंगली का हमें गैप देना पड़ता है। सही अब ये जो है ना, अब ये टेप को आप देखें, ये प्रमोटर लगने की वजह से इतनी मजबूत हो गई है। हाँ, और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आप 5 साल बाद भी उतारेंगे ना, सिर्फ आपने पेट्रोल से इसको साफ करना है तो उसके रेजिड्यूज भी उतर जाएंगे सारे।
इसके, ये थोड़ी डिफरेंट है, नीचे और ऊपर वाली में फर्क है। हाँ ये देखिए, वो यूं इसको हम यानी कि ऊपर की तरफ को शेप है, ये इसकी कर्व है, ये एल बना हुआ है इसके अंदर में। हाँ एल बना हुआ है, इसको हम एल स्टिक बोलते हैं, एल रेलिंग, और इसको हम टी रेलिंग बोलते हैं। अब इसका ये एक और भी तरीका होता है, दरवाज़ा बंद करके ना अंदर बैठ के देखना होता है कि ये सही जगह, अगर आप मैं अंदर से बैठूँ आप उधर से बैठें और फिर देखें कि मैं आपको दिखाऊं कि रेलिंग रख के देखेंगे कि ये सही जगह आ रही है कि नहीं। पहले ये कंफर्म करूँगा दरवाज़ा खुलते बंद होते हुए ना ये कहीं पर टकराए ना, ये देख रहे हैं, मेक श्योर करना बस। हाँ तो ये मुझे अब समझ आ गई है कि ये नहीं टकरा रहा, क्योंकि ये आपकी ये रबर दूर है, ठीक है ना, ये आराम से जो है ना ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे किसी चीज़ से टकरा नहीं रहा, ठीक हो गया। अब मैं लगा दूँगा, हालांकि वैसे कोई रबर हो ना तो टेप को पकड़ती नहीं है, मगर क्योंकि हमने इस पर वो प्रमोटर लगा दिया ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको दबा के, मेन चीज़ है काम की क्वालिटी। हाँ अब ये देखिएगा, अब ये रबर को नहीं छोड़ेगी। हाँ अब पक्का, क्योंकि पीछे प्रमोटर लगा दिया था पहले से, अभी बड़ी पक्की हो गई, ठीक है। हमारे इसमें इंस्टॉल हो गई हैं, तो ऐसा है कि इसके ये होगा कि जब ये बंद होगा ना तो अभी आप देखें ये चैनल लग गए हैं ना, तो इसको ये है कि इधर से हमने कर्टन पीछे किया और इधर आगे कर लिया, तो ये जो है ना बड़ा एक यूज़फुल चीज़ है, इधर से आपका मिरर शिरर का सारा व्यू क्लियर हो जाता है। तो अभी जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, अभी सिर्फ ये देखें गर्मी से हाल बुरा, बाल बुरे हो गए हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, तकरीबन 40 सेंटीग्रेड चल रहा है इस टाइम, तो इसको ज़रा इग्नोर कर दें हम, काम शाम करा के अभी आपको दिखाते हैं। जुम्मे का भी वक्त हो रहा है, जुम्मा भी पढ़ने जाना है, तो वक्त बड़ा काम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। तो जिस तरह मैंने आपके सामने उतारे थे ना क्लिप, इसी तरह उतारने हैं, ये देखो यूं क्लिप उतार, ठीक है, तो दोबारा इस तरह ही लग जाता है, दो नाखूनों से आराम से यूं उतर जाता है, ठीक हो गया, मतलब इसको वॉशेबल भी है, वॉश भी कर सकते हैं आराम से। अच्छा जी, कल मैं फ्राइडे वाले दिन जुम्मा पढ़ने के बाद अपनी कर्टन वगैरह इंस्टॉल करवा के वापस आ गया था, तो कल थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो बाकी कंटिन्यू नहीं कर सका, तो अभी ये है कि इंस्टॉल हो चुके हैं सारे कर्टन्स और कोई फाइनल लुक इस तरह की है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने कितनी ज़्यादा डिटेल के साथ काम किया है और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कितना कितना गौर किया है और उसकी फिनिशिंग कैसी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल जो लुक है इसकी वो कैसी है। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइनल लुक में इन्होंने ये सारे ऊपर, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे सारा ये प्लास्टिक के ऊपर इन्होंने लगाया, ये डबल 3M की डबल टेप होती है ना उसके साथ, और उसके बाद इस तरह का फैब्रिक है इसका, ये सारा आप इसको जब चाहे मर्जी इस तरह यहाँ से पकड़ेंगे तो ये ऐसे पीछे वापस चलेंगे, ठीक है, और इसको आप वापस, यहाँ पर सारी वेलक्रो लगी हुई है ये, और पीछे बाकी भी दिखाता हूँ आपको भी, तो ये जो सी है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है इसमें, ये देखें यहाँ पे वेलक्रो सारी इन्होंने लगा तो दी है, अभी ये थोड़ा सा ना उन्होंने कहा था 72 घंटे का टाइम है, 72 घंटे के बाद हम इसको जो है ना प्रॉपर यूज़ करेंगे, अभी ये है कि थोड़ी देर इसको इसके बस स्ट्रेस नहीं डालनी है ताकि मजबूती पक्की हो जाए इसकी। आप ये देखें ये यहाँ से एंड टू एंड एच टू एच यहाँ पे लग गया ये पूरा ना यहाँ तक आ गया, तो बड़ा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है, अंदर बैठ के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये देखें ये बंद हो गया पूरा, और
मतलब ये है कि बड़ा यूज़फुल है, जिस तरह मर्जी आप इसको इस तरह पकड़ के एक हाथ से इसको खोल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। और ये मतलब इसके ऊपर लास्टिक सा लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये बटन है, इसको आप यहाँ पे इसे इकट्ठा कर सकते हैं, सारा इधर तक आ जाता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल जो मतलब चीज़ है उन्होंने जो ये बनाई है, वो कस्टम मेड, यानी कि कोई भी गाड़ी है आपकी आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर उनके उनके पास शेड्स अवेलेबल हुए पहले बनाया हुआ तो आपको विद इन 30 मिनट्स वो लगा के दे देंगे, नहीं तो घर पे राइडर आता है वो लगा के दे देते हैं। और अगर आपकी गाड़ी ऐसी है कि जिन्होंने पहले नहीं बनाया हुआ तो इस तरह है कि वो आपको ना मतलब टाइम देंगे, उस टाइम के ऊपर जाके जैसे मैंने बनवाया, उन्होंने पहले इसका मीरा का नहीं बनाया हुआ था, तो ये आपको ये है कि 2-2.5 घंटे के अंदर वो बना देते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने साथ मुझे ये देखें ये एक्स्ट्रा क्लिप्स वगैरह दी हैं, और ये एक इन्होंने ये सोल्यूशन सा दिया है, अगर ये टेप दी है अगर कहीं से उतर जाए या ये कोई क्लिप ख़राब हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं। और ये 3M का सोल्यूशन है, बड़ा अच्छा है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार इन्होंने जो चीज़ें भी लगाई हैं ना वो कोई लो क्वालिटी या हल्की मतलब चीज़ें नहीं लगाई, उसमें ये है कि मतलब ये क्लिप्स हैं ना इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये जो फैब्रिक है स्टफ है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन कल उनकी मशीन ख़राब हो गई थी तो उस पर सिंगल सिलाई आ रही थी, ये जो सिलाई लगी हुई ना यहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं यार वो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो उन्होंने वो मशीन ठीक की 1 घंटा लगा के उसके बाद मुझे प्रॉपर जो जिस तरह होता है ना उस तरह मतलब करके दिया। और उसके बाद ये 3M की टेप दी, ये सारा टिशू पेपर दिया, उन्होंने मुझे तरीका बताया कि अगर उतर जाए तो इस तरह लगाना है। तो बस ये था आज का छोटा सा एक रिव्यू। तो बड़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है, जैसे गर्मियाँ लोग में सख्त पड़ी हैं अभी, तो अगर आपको ये मतलब इसे इंस्टॉल करवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका नंबर है और कॉन्टैक्ट सारी डिटेल्स हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।